देर रात राजीव को किसी के होने का एहसास होता है। वो नींद से उठ के लिविंग रूम में जाता है। वहाँ का नजारा देख वो एकदम डर जाता है। क्यूलॉजिकल आर्मी, लिविंग रूम का नजारा देख वो डर क्यों जाता है? सीन को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। खिड़कियां दोनों बंद है, फिर भी कर्टन जोरों से हिल रहे हैं, जैसे तेज हवा चल रही हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसलिए राजीव एकदम डर जाता है और वो घर पे अकेला भी था। तभी उसका ध्यान एक क्लॉक पे जाता है। वो क्लॉक को देख के उसे बहुत अजीब लगता है। राजीव को क्लॉक में क्या अजीब लगा लॉजिकल आर्मी? देर रात हो चुकी है और क्लॉक में 7 बजे हुए हैं और क्लॉक चल भी रही है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वो फिर नीचे रखे स्टूल पे चढ़कर उस घड़ी को दीवार से उतार लेता है और वो घड़ी को ध्यान से देखता है तो उसके अंदर तो बैटरीज ही नहीं थी। इम्पॉसिबल, बिना बैटरीज के भला घड़ी चल कैसे रही थी? जरूर इसमें भूत होगा। डर के मारे राजीव के हाथ से घड़ी छूटकर नीचे गिर जाती है और राजीव तुरंत वहां से भाग जाता है। राजीव तुरंत दौड़कर अपने कमरे में जाता है और शहर के जाने माने घोस्ट हंटर यश द घोस्ट हंटर को कॉल लगा लेता है। यश द घोस्ट हंटर उस समय कब्रिस्तान में कुछ भूतों को पकड़ रहा था। यश के पास एक पैरानॉर्मल घड़ी है। इस घड़ी के मदद से वह घोस्ट, ममीज और ड्रैकुला को ट्रैक करता है। यश की पीठ पर हमेशा एक बैग रहता है और यश भूतों को पकड़कर अपने बैग में बंद कर लेता है। इस गन की मदद से वह भूतों को खींचकर अपने बैग में डालता है। राजीव का कॉल आते ही यश तुरंत अरेरा कॉलोनी की तरफ निकल पड़ता है। यश के पास एक स्पेशल बाइक भी है जो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेती है। कब्रिस्तान से अरेरा कॉलोनी तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते थे। पहला रास्ता सिटी स्काईवर से होकर जाता है, ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन ये शहर का इलाका है, इसके वजह से यहाँ दिन के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। दूसरा रास्ता रेलवे लाइन से होकर जाता है, लेकिन ये पूरा कच्चा रास्ता है और अगर कहीं ट्रेन आ गई तो काफी रुकना पड़ सकता है। तीसरे रास्ते पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो हो सकता है वो रोड बंद हो सकता है। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए तीनों में से कौन सा रास्ता लेना चाहिए यश को, ए बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहला रास्ता सबसे शॉर्टकट रास्ता है और वहाँ ट्रैफिक दिन में होता है, लेकिन अभी तो देर रात हो चुकी है तो वो रोड खाली होगा, तो यश को पहला रास्ता ही लेना चाहिए। यश पहला रास्ता ले लेता है और राजीव के घर पहुंच जाता है। राजीव अपने बेडरूम में चादर ओढ़कर छुपा हुआ था और बहुत डरा हुआ था, उसे पसीना आ रहा था। चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, मुझे बताओ घर में भूत कहाँ छुपा हुआ है? इसके बाद राजीव तुरंत यश को उसी कमरे में ले जाता है जिस कमरे में ये घोस्ट था। यश पूरे कमरे को अच्छी तरह से चेक करता है और समझ जाता है कि यहाँ पर कोई भी घोस्ट नहीं है। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं यश को कैसे समझ आ गया कि कमरे में कोई घोस्ट नहीं है? कमरे की जिस घड़ी में भूत था वो घड़ी अभी सही सलामत दीवार पर लगी हुई है और टाइम भी सही दिखा रही है। यश घड़ी को चेक करता है तो उसमें बैटरीज भी होती है और यश की घड़ी में अभी तक रेड सिग्नल नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई घोस्ट नहीं है। इसके बाद यश पूरे घर की अच्छे से तलाशी लेता है। तभी अचानक सेकंड फ्लोर पर यश की घड़ी में रेड सिग्नल आने लगता है। यस यस, मतलब घोस्ट यहीं आसपास है। सेकंड फ्लोर पर सामने 3 दरवाजे थे। लॉजिकल आर्मी, क्या आप तीनों दरवाजों को देख के बता सकते हैं घोस्ट कौन से दरवाजे के पीछे हो सकता है, ए बी या सी? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहले दरवाजे पे 2 पंजों के निशान बने हुए हैं और यही पंजे सेम साइज के तीसरे दरवाजे पे भी है, मतलब हो सकता है ये राजीव के हो, लेकिन दूसरे दरवाजे पे जो 2 पंजों के निशान है वो अलग अलग साइज के हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है, यहाँ तो सिर्फ राजीव ही रहता है। यश अपनी गन लेकर दूसरे दरवाजे के अंदर चला जाता है। वहाँ काफी अंधेरा था लेकिन यश की घड़ी जोर जोर से अलार्म बजाने लगती है, का मतलब वो घोस्ट इसी दरवाजे के अंदर छुपा हुआ है। यश अपनी पैरानॉर्मल घड़ी से भूत की लोकेशन को ट्रैक करता है तो यश की घड़ी बताती है कि 10 मीटर के अंदर वो भूत छुपा हुआ है। तुम यहाँ से भाग कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। इसके बाद यश को कमरे में एक स्विच दिख जाता है, वो कमरे की लाइट ऑन कर देता है। कमरे की लाइट ऑन होते ही यश समझ जाता है कि भूत कहाँ छुपा हुआ है। लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं कमरे के अंदर भूत कहाँ छुपा हुआ है?
अच्छे से ढूंढिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। सामने दीवार पर लगी हुई फोटो को ध्यान से देखिए। फोटो में उस आदमी के हाथ बहुत कोरे लग रहे हैं, लेकिन चेहरा तो बिल्कुल काला है। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? जिस आदमी के हाथ इतने कोरे हो उसका चेहरा काला हो, मतलब हो सकता है भूत इस फोटो में छुपा हुआ हो। यश अपनी गन से उस भूत को खींच लेता है और अपने बैग में कैद कर लेता है। रात के करीब 3 बज गए थे और यश उस भूत को अपने बैग में पकड़कर वापस अपने घर आने लगता है। तभी रास्ते में सड़क पर यश को एक लड़की दिखाई देती है। इतनी रात को भरा ये लड़की सड़क पे क्या कर रही है? इससे पहले कि यश कुछ कर पाता, वो लड़की देखते ही देखते सड़क के पास वाले जंगल में गायब हो जाती है। यश की पैरानॉर्मल घड़ी भी थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करने लगती है। इसका मतलब वो लड़की भूत थी। यश अपनी पैरानॉर्मल घड़ी से उस भूतिया लड़की को लोकेट करते हुए जंगल में पहुंच जाता है। आगे यश को 3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। क्या बता सकते हैं ABC में से कौन सा रास्ता यश की घड़ी बता रही है उस भूत तक पहुंचने के लिए? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रास्ता भी उस लड़की तक जाता है कुछ इस तरह से। यश अपनी वॉच का डायरेक्शन को फॉलो करता हुआ जंगल में आगे बढ़ता है और उस भूतिया लड़की के पास पहुंच जाता है। वो लड़की एक ट्री के पीछे छुपी हुई है। क्या आप बता सकते हैं वो कौन से ट्री के पीछे छुपी हुई है? ध्यान से देखिए लॉजिकल आर्मी। दूसरे पेड़ के शैडो को देखिए, उसमें एक एक्स्ट्रा हल्की सी शैडो दिख रही है। यह समझ जाता है और उसको पकड़ने के लिए अपनी गन बाहर निकालता है। तभी बगल से एक और दूसरा भूत उड़कर आता है और यश की गन को छीन लेता है। मेरी गन वापस कर दो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वो भूतिया लड़की उड़कर यश के सामने आ जाती है। तुमने अपने बैग में जिस भूत को पकड़ के रखा है वो मेरा बॉयफ्रेंड है, उसे छोड़ दो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी गन वापस कर दो। इसके बाद वो भूतिया लड़की एक अजीब तरीके की आवाज निकालती है और सामने से वो भूत आ जाता है। ये तीनों भूत दोस्त थे और अपने तीसरे दोस्त को बचाने के लिए दोनों ने यश से गन छीन ली थी। यश अपना बैग खोलता है और उस भूत को छोड़ देता है। बदले में वो भूत यश की गन वापस कर देता है। गन मिलते ही यश तुरंत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले भूत को खींचकर अपने बैग में पकड़ लेता है, लेकिन वो तीसरा वाला भूत उड़कर गन की रेंज से बाहर चला जाता है। यश उसका पीछा करता है। वो भूत सामने वाली बिल्डिंग में घुस जाता है। यश अपनी पैरानॉर्मल घड़ी से उस भूत को ट्रैक करता हुआ उस बिल्डिंग में चला जाता है। वहां पर 4 लोग सो रहे थे, लेकिन यश समझ जाता है कि चारों में से कौन सा आदमी भूत है। लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं ABCD में से कौन भूत है? सोचिए सोचिए। तीसरे वाले आदमी को देखिए, उसने कंबल ओढ़ा हुआ है। उसका फेस राइट साइड में है, लेकिन उसके पैर लेफ्ट साइड में है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? यश तुरंत अपनी गन से उस भूत को खींचकर पकड़ लेता है और अपने बैग में कैद कर लेता है। चिंता मत करो, मैं तुम तीनों को एक साथ ही रखूंगा, क्योंकि तुम तीनों दोस्त हो। फिर घर के अंदर जाता है और तीनों भूतों को एक साथ एक बॉटल में डाल देता है और आराम से सो जाता है।